अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज कॉमनली फाउंड इन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर पाया जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहाँ पहाड़ी इलाकों रहते हैं वहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसका बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यही होता है कि इसमें जो स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम वही लगते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें बहुत कम लगता है और ये पावर ज़्यादा जनरेट करता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का एडवांटेज यही है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होता है, ठीक है, और ये इसका जो लोड होता है वो बहुत कम ही लोड से ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेस लोड और पिक लोड का यूज होता है, दोनों का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन इंडिया। तो पूछा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का जो यूनिट है वो लार्जेस्ट साइज कितने का है? तो लार्जेस्ट साइट इंडिया में जो यूज किया जा रहा है 165 मेगावाट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि ग्रोस हेड ऑफ एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज अ डिफरेंट, ये क्या पूछा है कि ग्रोस हेड जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में देखिए जो वाटर का लेवल है वहाँ से और जो टॉप में टेल रेस है, ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे वो कहते हैं ग्रोस हेड, ठीक है, यानी कि इसको कैसे बोल सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन द स्टोरेज एंड टेल रेस इज नाउन इज ग्रोस हेड, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू हाइड्रो पावर स्टेशन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज नाउन। पूछा गया है कि टाइम, ठीक है, और डिस्चार्ज, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इस दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है ये ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो ये ग्राफ को हम लोग हाइड्रोग्राफ कहते हैं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वही क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसे वो क्या कहते हैं? हाइड्रोग्राफ, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए हाइड्रोग्राफ इंडिकेट, हाइड्रोग्राफ क्या इंडिकेट करता है? कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज और टाइम के बीच में, ठीक है, यानी डिस्चार्ज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब वही बोला गया कि डिस्चार्ज होना चाहिए टाइम का, ये भी होगा आपका। अगला हो जाएगा द मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो रफ ऑफ है पीरियड के दौरान, एवरेज रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, ऑल ऑफ दी वेब, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वेब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, हाइड्रोग्राफ है वह सिमिलर है किसका? देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल लोड ग्राफ जो है उसी के सिमिलर है हाइड्रोग्राफ। अगला बोला गया है कि रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? कि रेन जो हो रहा है उसका पैटर्न, वर्षा जो गिर रही पानी गिर रही है उसका पैटर्न, शेप साइज और जो केज किया एरिया, ये सब आपको प्रभावित कर रहा है। फिर टोपोग्राफी भी प्रभावित कर रहा है, फिर जो वहाँ पे मिट्टी है कैचमेंट एरिया का उसका नेचर भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है, फिर वेजिटेशन भी का मात्रा कितना है वो भी प्रभावित कर रहा है, फिर वहाँ का मौसम किस तरह का है जहाँ कैचमेंट एरिया है वो भी प्रभावित कर रहा है, यानी कि यहाँ सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा डी का। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज टू। देखिए इसमें बोला गया है कि जो कर्व है हेड ऑफ हाइड्रोलिटिक प्लांट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो देखिए इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि वहाँ पे जो जितने आपका पावर अवेलेबल है साइड पे वो चीज़ को जानने के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं, या टोटल पावर जानने के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं कितना अवेलेबल है। तो इसमें
अगला क्वेश्चन है कि द एरिया अंडर अ फ्लो ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट, यानी कि बोला गया है कि जो एरिया है ठीक है फ्लो के ड्यूरेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया यही रिप्रेजेंट करता है कि उसमें रन ऑफ के समय आपका कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है यही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये मास कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, तो मास कर्व इतना हम जान लीजिए कि मैं बता देता हूँ, ये आपका जितना वॉल्यूम है रन ऑफ का उसका एट एक टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, यानी कि इसका हम देखें बी में तो इसमें क्रोनोलॉजिकल लोड ग्राफ को ये मास कर्व हम कहते हैं। ठीक अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, देखिए मैं बोला कि स्टोरेज को हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि वहाँ कैचमेंट एरिया में कितना स्टोरेज, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमको हाइड्रोग्राफ के साथ साथ मास ग्राफ दोनों जरूरी, दोनों से भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए कि अगर लाइव जो ग्राफ रहता है ठीक है ग्राफ में अगर लाइन में ये एक वैल्यू दे रहा है ठीक है एक लाइन में से सीधा दे रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वाटर एक लीन पीरियड तक चलेगा रिजर्वायर का ठीक है, लेकिन अगर साल टू साल बढ़ रहा है और इसका ग्राफ एक लाइन टाइप से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग को एक कंसिडरेबल अमाउंट पे काम होने वाला है, यानी कि ज़्यादा टाइम इसका नहीं लगेगा कंप्लीट होने में। इन हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन व्हाट इज एन इनलर्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक एंड यूज रेगुलेटिंग रिजर्वायर, तो रेगुलेटिंग रिजर्वायर में हम लोग जो यूज करते हैं तो वो जो इनटेक से ऊपर होता है ठीक है, तो उसको हम लोग फोरबे कहते हैं, इसका नाम ही फोरबे का ये डिफिनेशन होता है ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है अगला क्वेश्चन में 28 में ए पेन स्टॉक इज यूज एज ए कंड्यूट बिटवीन, मतलब जो कंड्यूट पाइप टाइप से आपका पेन स्टॉक होता है उसका किसके किसके बीच में हम लोग यूज करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग टर्बाइन ठीक है के केस में आपका फोरबे और सर्च टैंक को कनेक्ट करते हैं टर्बाइन के साथ ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि डैम और टर्बाइन को कनेक्ट करने वाला जो पाइप होता है उसी को हम लोग कहते हैं। 28 पूछा गया कि हाई हेड हाइड्रोलिटिक प्लास्ट में द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो पेनस्टॉक कितना होता है, तो जो पेनस्टॉक में वाटर फ्लो होता है हाइड्रोलिटिक प्लांट में 7 मीटर पर सेकेंड होता है, फिक्स वैल्यू होता है, सी आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि लोकेशन ऑफ सर्च टैंक इन हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट इज नियर, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जो सर्च टैंक का लोकेशन कहाँ पे होता है, लसर टैंक का लोकेशन हमारा टरबाइन के सामने होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द फंक्शन ऑफ ए सर्च टैंक इज टू, देखिए सर्च टैंक का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जो पेन स्टॉक में आपका वाटर जा रहा है तो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, मतलब हेमर ट्रैप से होता है, तो इसको रिलीव करने के लिए हम लोग बीच में सर्च टैंक लगाते हैं, तो ये चीज़ें रिलीव करने के लिए काम करता है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका आंसर 31 का बी हो जाएगा।